माय यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा काफी ये ट्रेंड हो रहा है मेकअप एज इमोजी वाला जो ट्रेंड है, और मैंने और नूनू ने काफी टाइम से डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को ये चैलेंज करेंगे एंड आई गेस अभी अनम भी कर रही है। ये रहे मेरे सिलेक्टेड 4 इमोजीज जो मैं करने वाली हूँ। अब मैंने सोच तो लिया है मैं ये सब करूंगी, करते टाइम पता चलेगा कि कितना ईजी या कितना डिफिकल्ट है एंड आप लोग पूछते हो कि कैसे किया क्या किया, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियो बना लूँ ताकि आप देख सके इस लुक के पीछे कितनी मेहनत हुई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट इमोजी। तो मेरा फर्स्ट इमोजी है रेड हार्ट इमोजी, तो इसलिए मैंने रेड पहना है, कपड़े पहन लिए हैं। अब मैं मेकअप शुरू करने वाली हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत टाइम लगने वाला है, आज हालत खराब होने वाली है, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ चीज के लिए। सो आप लोग भी हो प्रिपेयर्ड। चलो मैंने अपना सारा मेकअप निकाला। रेड जो है वो कभी कभी थोड़ा सा स्टेन करता है, तो मुझे ज्यादा टाइम लगा निकालने के लिए। अब मैं रेडी हूँ अपने नेक्स्ट लुक के लिए जो कि है बटरफ्लाई लुक। तो बटरफ्लाई इमोजी जो है उससे इंस्पायर होके ये लुक होने वाला है। बटरफ्लाई इमोजी होती है ब्लू कलर की एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ग्रीन कलर थे, तो देखिए मैंने उन्हें ब्लू कैसे बनाया। फ्लैशबैक। तो मैं अभी पेंट कर रही हूँ बटरफ्लाईज को। देखो मैंने एक बटरफ्लाई ऑलरेडी कर चुकी है, देखो अच्छी लग रही है ना। अब मैं बाकी भी करने वाली हूँ पेंट ताकि मैं उसे अपने ऊपर लगा सकूँ। ऑलमोस्ट सारी बटरफ्लाईज हो चुकी है, तो मैंने पहले उनको पूरा ब्लू पेंट किया और अब मैं उसे शेडिंग कर रही हूँ साइड में ब्लैक ब्लैक, आप देख सकते हो। तो उससे वो बटरफ्लाई कुछ ऐसी दिखेगी जो कि असली में ऐसी थी। और गाइज मुझे आजकल ये ब्लू कलर है ये बहुत पसंद आ रहा है। मैंने ये कलर में नाइकी लो डंक ऑर्डर किया था, तो वो आ गए हैं फाइनली। मेरे भाई लोग खोल रहे हैं कि मेरे हाथ बन रहे हैं इस वक्त। ओके आर यू रेडी इन 3, 2, 1। वाह। आई कांट वेट टू वेयर देम। ये बहुत मुझे ये कलर बहुत पसंद है, काफ़ी टाइम से चाहिए था। जॉर्डन में मैंने ट्राई किया था ये कलर ढूंढना, आई गेस यूनिवर्सिटी ब्लू जॉर्डन जो है वो, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट इजीली अवेलेबल एनीवेयर। जॉर्डन नहीं तो बट डंक्स ही सही। सो तो मेरी बटरफ्लाईज मेरे पास है और मैं अभी मेरा मेकअप शुरू करने वाली हूँ। अभी फिलहाल मैंने अपना नॉर्मल बेसिक मेकअप किया है। आई एम जस्ट गोना डू माय आईज एंड आई एम गोना स्टिक ऑल द बटरफ्लाईज ऑन मी। तो शुरू करते हैं। Thank you.
हो चुका है कंप्लीट और अब मैं मेरे बाल बनाने वाली हूँ और बटरफ्लाई स्टिक करके फाइनल लुक जो होगा उसे शूट करने वाली हूँ। तो मैं शूट करके आती हूँ और फाइनल लुक आप डेफिनेटली बेटर वाला फाइनल लुक आप एंड वाले वीडियो में देखोगे। A few inches later. तो गाइस अब मेरा नेक्स्ट इमोजी है ये डेविल इमोजी जो पर्पल कलर का डेविल इमोजी है और उसके से कान है या हॉर्न है मुझे आइडिया नहीं, हॉर्न नहीं होगी। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं और पर्पल में तो नहीं है, मिलता तो रेड वेड में मिल जाता है शॉप्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी पेपर कटआउट्स किए हैं। अब आई डोंट नो ये कैसे टर्न आउट होने वाला है, देखो ऐसा कुछ दिखेगा, थोड़ा तो सिमिलर है। मैं इसे पेंट करके इस हेयर बैंड पर स्टिक कर दूंगी सो दैट जब मैं हेयर बैंड पहनूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे कान या हॉर्न दिखेंगे। तो अभी मैं पेंट करने जा रही हूँ इसे पर्पल कलर का। तो सो मैंने अभी चेंज कर लिया, देखो मैंने पर्पल पहना है अकॉर्डिंग टू द डेविल इमोजी एंड मैंने जो पेंट करके गई थी और चिपका के वो अभी सूख चुका है तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। गुड जॉब लगमा, मैं इसको पहनूंगी। सो थोड़ा बहुत उसमें और टचअप देना बाकी है जो मैं करने वाली हूँ। फिलहाल मैं पहले अपना लुक देखूंगी कि कौन सा कलर क्या है एग्जैक्टली, अगर कुछ चेंजेस हो गए तब मैं फाइनल इस पर टचअप करूँगी। तो अभी मेकअप शुरू करते हैं। सो गाइज मैं जब ये पेंट कर रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा कैमरा बंद हो चुका है बिकॉज बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो सॉरी बट इतना बाकी है तो मैं अभी इसे पर्पल फिनिशिंग देने वाली हूँ। अगर मेरा ये कलर मुंह से नहीं निकला ना मैं कैसी लगूंगी। प्लीज प्रे फॉर मी कि ये कलर मेरे मुंह से निकल जाए। डर गए ना आप लोग? नहीं तो अभी ये लुक है मेरा, देखो मैं खुद को देख के डर रही हूँ। अब मैं जाने वाली हूँ वीडियो बनाने क्योंकि मुझे पेंट जल्द से जल्द निकालना है, इट्स टू मच फॉर माय फेस। बाय। द नेक्स्ट डे। हे गाइस, सो मैं अपना फोर्थ लुक करने वाली हूँ जो है फ्लेमिंगो इमोजी। तो ये इमोजी मैंने एक लड़की से इंस्पायर होके देखा, उसने बहुत ही प्यारा मेकअप किया था। आई होप मैं उसका 70% भी अगर सेम कर पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए आज सेकेंड डे है एक्चुअली। तो मैंने एक रात में 3 इमोजीज किया था और आज जो सेकेंड डे है मैं फोर्थ इमोजी करने वाली हूँ एंड फाइनली कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैलेंज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइज। जो भी आप 30 सेकंड का रील देखते हो उसके पीछे लिटरली दो दो दिन जाते हैं, मेरे लिए तो जाते हैं। आप लोग अगर आधे घंटे एक घंटे में करते हो तो लेट्स सी ये लुक फेल होगा या हिट होगा। सो चलते हैं।
लुक मेरा कंप्लीट हो चुका है आफ्टर आई गेस 3 आवर्स. बहुत डिटेलिंग थी. तो अभी मैं लैशेस लगाने वाली हूँ. मैंने अपने लैशेस को पेंट करके सुखा दिया है, तो अब लैशेस लगाऊंगी और उसके बाद मैं शूट करने जाने वाली हूँ. तो फाइनली मेरा इमोजी चैलेंज कंप्लीट होगा और आपको भी देखने मिलेगा कि मेरा इमोजी चैलेंज कैसा दिख रहा है. Look is ready. Let's go. A few minutes later. So finally पूरा शूट हो गया, मेकअप हो गया, 4 लुक्स कंप्लीट हो गए हैं. 2 दिन लगे इसमें. अगर आपको देखने है कि मैंने क्या क्या वीडियोस बनाए, जल्दी जल्दी जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर, जाओ मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर, जाओ जाकर देखो सारे वीडियोस. और बताओ मुझे कि आप अगर ऐसा कुछ और इमोजीज चाहते हो या कोई कैरेक्टर या कोई कार्टून, कुछ भी आप चाहते हो कि मैं वो वाला मेकअप करूं, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ. मैं बेस्ट जिसका रहेगा ना रिकमेंडेशन, उसको टैग भी करूंगी जब मैं वो मेकअप करूंगी तब. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. और देखो मेरा फेस थोड़ा स्टेन भी हो गया है, ये रेड रेड निकला नहीं है, आई होप निकल जाए कल तक. सो ये रहने वाला है मेरे मुँह पे आज, तो इट्स फाइन, निकल जाएगा. वो रेड कलर और ऐसे कलर्स स्टेन करते हैं. तो बस अभी आप कमेंट करो, लाइक करो मेरी मेहनत के लिए, मुझे प्लीज़ प्यार दो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो. आई विल सी यू गाइस सम अदर डे. बाय.